कानून की धाराएं बदल रही है। जी हां, आगामी 1 जुलाई से कानून की तमाम धाराओं में बदलाव देखने को मिलेंगे। देश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कई अधिनियम और कानून की धाराओं में बदलाव 1 जुलाई से देखने को मिलेगा। भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC जो कि देश में 1861 से लागू है, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS होगी। इसी प्रकार से क्रिमिनल प्रोसेसिंग कोर्ट यानी CRPC जो कि 1973 से लागू है, उसके स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS होगी। जहां IPC में 511 धाराएं थी, वही अब नए अधिनियम में ये घटकर 318 धाराएं ही बचेगी। इसी तरह CRPC की जगह जहां 484 धाराएं थी, ये बढ़कर अब 531 धाराएं होगी। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ फर्क पड़ेगा इन महत्वपूर्ण बदलाव में। 1 जुलाई से बदल जाएंगे अंग्रेजों के जमाने के अधिनियम। हत्या, रेप, धोखाधड़ी सहित कई धाराएं बदल जाएगी। धोखाधड़ी में अब 420 नहीं 318 धाराएं लगेगी। IPC की जगह लेगा BNS। CRPC की जगह होगा अब BNS। कुछ धाराओं में हुई कटौती और कुछ में हुआ इजाफा। 1 जुलाई से कानून बदल रहा है, कानून की धाराएं बदल रही है और कानून के अधिनियमों में बदलाव होने वाला है। क्या कुछ फर्क पड़ेगा जनता को भी और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता जी। सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 1 जुलाई से सर कानून के अधिनियम जो है वो बदल रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? आपने एकदम सही कहा कि 1 जुलाई से हमारे तीनों कानून जो पूर्व में IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, वो अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीन कानून हो जाएंगे और ये तीनों कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। और जैसा कि आप ये जानना चाहती हैं कि इससे क्या बदलाव हमें लगता है होगा, सबसे बड़ा बदलाव तो इसमें यह है कि जो एक पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता थी जिसमें दंड को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था, अब दंड की बजाय न्याय की ओर बढ़ते कदम होंगे। अर्थात मूल भावना पूरे कानूनों की यह है कि न्याय मिले, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। और जो जनता को लाभ होने वाले सीधे वो मैं बताऊँ आपको, तो एक पुलिस से जुड़ी हमेशा एक समस्या रहती थी कि FIR कराने के लिए आपको कई जगह जाना पड़ता था, थानों के क्षेत्राधिकार का आपस में झगड़ा होता था कि ये हमारे थाना क्षेत्र में नहीं है, और पीड़ित पक्ष को कई बार कई जगह घूमना पड़ता था। अब जो नया BNSS आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें अब पुलिस को 0 पर FIR करना होगी और वो 0 पर FIR करके संबंधित थाने को, जिस थाने से क्षेत्राधिकार से संबंधित है, उसको वो उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अर्थात पीड़ित पक्ष को इसमें बहुत ज़्यादा कहीं भागने की आवश्यकता नहीं होगी, जिस जगह वे जाएंगे वहीं उनकी सुनवाई होगी और उनकी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो एक मुख्य परेशानी आती थी कि FIR की कॉपी हमें नहीं मिलती है, तो वो अब 24 घंटे के अंदर FIR की कॉपी देना कानून में ही प्रावधानित किया गया है कि वो अब मैंडेटरी होगा। तो कुल मिलाकर ये दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि सीधे आपके जीवन को असर डालने वाली हैं वो होंगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष आएगा जिसमें कि हम EFIR या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम FIR अब कराने की स्थिति में रहेंगे। अगर आप चाहें किसी भी घटना की FIR आप घर बैठे भी दर्ज करा सकेंगे। कुछ उसमें और प्रावधान है, उनका हमें ज़रूर पालन करना होगा, लेकिन अब कुल मिलाकर FIR करने की पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को बहुत आसान और पीड़ित को केंद्रित रखकर बनाई गई है। तो यह तो हमें सीधे फायदे होंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया गया है और साथ ही महिला और बच्चों संबंधी अपराधों में भी कानून में काफ़ी परिवर्तन आए। IPC और CRPC की जो धाराएं हैं वो चेंज हो रही है, तो क्या कुछ कितनी धाराएं चेंज हो रही हैं इनको? देखिए, जो पहले अगर हम बात करते थे IPC में, तो वो
511 सेक्शन हुआ करते थे, अब जो BNS हैं उसमें 358 सेक्शन अर्थात कम हो गए हैं। और लेकिन जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें CRPC से कुछ प्रावधान बढ़े हैं। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ प्रावधान बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें जो हटाई जानी थी वो हटाई भी गई हैं, और जो जोड़े जाने थे जो अपराध वो इसमें जोड़े भी गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आतंकवाद को लेके कोई धारा पहले कानून में नहीं थी, और वो चूंकि बदलते समय में इस तरह के अपराध बहुत सामने आते हैं, तो अब जो हमारा नया BNS है उसमें इसको लेकर भी धारा प्रावधानित की गई है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हम देखते थे कि कहीं भीड़ किसी को पकड़कर और किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर पीट दे और असामयिक उनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी कोई धारा उससे निपटने के लिए नहीं थी। अमूमन हम धारा 302 में उसमें कार्रवाई करते थे। अब इसके लिए भी मॉब लिंचिंग के लिए भी एक अलग से धारा BNS में होगी। ऐसे ही एक बड़ा ग्रे एरिया था बैग स्नैचिंग को लेकर या मोबाइल स्नैचिंग को लेकर, उसमें धारा चोरी की धारा लगाई जाए कि लूट की धारा लगाई जाए। कई जगहों पर चोरी की धारा में भी ये कार्रवाई होती थी, कई जगह ये लूट की धाराओं में भी कार्रवाई होती थी। अब नए BNS में इसमें नया सेक्शन आ जाएगा, और वो सेक्शन जो है वो सिर्फ बैग स्नैचिंग को लेकर ही बनाया गया है। तो इस तरह से जो नए समय की मांग थी उनको जोड़ा गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत पुरानी, जैसे राजद्रोह की धारा जो अंग्रेज़ों के लिए ज़रूर बहुत आवश्यक होती होगी लेकिन आज के समय में वो बहुत आवश्यक नहीं थी, तो उसे हटाया गया, उसी के देशद्रोह की धारा को जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर जो अनावश्यक धाराएं वो हटाई हैं और आवश्यक सेक्शन जो इतने वर्षों के अनुभव में आए वो जोड़े गए। चूंकि देखा जाता है कि शुरुआती दौर में जो है वो परेशानियां देखने को मिलती है, तो क्या पुलिस विभाग में भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा और क्या उनको भी कोई चुनौती देखने को मिलेगी? वास्तव में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हमारे लिए होगा, क्योंकि कई वर्षों से हम लोग एक ही तरीके से कार्य करते आए हैं। अब हमें हमारी विवेचना के तरीके को भी बदलना पड़ेगा, हमें हमारे लोगों को एक नए सिरे से ट्रेन करने की आवश्यकता होगी, और एक बड़े वृहद स्तर पर ट्रेनिंग लगातार हम लोगों की चल भी रही है, और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं कि 1 जुलाई को जब भी पहला केस आता है तो उसे हम BNS में दर्ज करेंगे, और उसकी पूरी विवेचना हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार पर करेंगे। और जो भी नए प्रावधान आए हैं जिनमें साइंटिफिक एविडेंसेस हमें लेनी है, उसके लिए भी हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग की तैयारी पूरी की है। पर यह वास्तव में हमारे लिए एक बड़ा चुनौती रहेगी। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय में सारे पुलिस कर्मियों के लिए ट्रेनिंग व्यवस्था की गई थी, इस बदलाव को लेकर क्या आउटपुट निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, हम लोगों ने हमारे PTS में एक तो सभी कर्मचारियों की ऑफलाइन ट्रेनिंग कराई थी, और इसके बाद कुछ कर्मचारी हमारे ऐसे भी रह गए जिन्हें हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करानी पड़ी। तो सभी थानों में हमने लगातार सभी जगह स्क्रीन्स लगाकर और कर्मचारियों को वहाँ बिठाकर और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराई है, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी कराई है, और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार एक मॉक ट्रेनिंग भी हमारी चल रही है कि हम अगर अभी हम IPC में कोई मामला दर्ज कर रहे हैं तो अगर वो BNS में दर्ज करना होगा तो किन धाराओं में दर्ज होगा, इसके लिए भी हम पैरेलल एक मॉक ट्रेनिंग हमारी कुछ दिनों से चल रही है। ये तो बात हुई पुलिस ट्रेनिंग की, आम जन पर इस पे क्या फर्क पड़ेगा और क्या आम जन को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा? जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो आम जन के लिए सबसे अच्छा फायदा इसमें यह है कि अब FIR करने कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही इसमें अब जो नए प्रावधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें समय सीमा में बांधी गई हैं, अर्थात अब मामलों के निर्णय भी हमें समय सीमा में ही सुनने को मिलेंगे। तो जो बहुत लंबे मामले चलते थे या फरारी में कोई अपराधी चल रहा है तो उसकी सुनवाई तब तक नहीं हो जब तक कि पुलिस उसे पकड़ कर नहीं लाए, ये सब प्रावधान नए कानून में अब बदल दिए गए हैं। और उसमें अगर हमने उसे घोषित अपराधी बना दिया है तो घोषित अपराधी की सुनवाई तुरंत उसकी अनुपस्थिति में भी कोर्ट कर सकेंगे। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। साथ ही जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन है
उसको लेकर भी इस पूरे कानून में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि 7 वर्ष से अधिक के जो सजा के मामले हैं उनमें FSL के साइंटिफिक ऑफिसर को जाना अनिवार्य रहेगा, तो वो वहाँ पहुँचेंगे, अपना साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन करेंगे, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी अब प्राइमरी एविडेंस माना जा रहा है, जिसमें वीडियोग्राफी वगैरह कराना। साथ ही एक चीज़ और जो जनता के लिए मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि अब यदि पुलिस आपके यहाँ तलाशी के लिए आती है तो तलाशी में उन्हें वीडियोग्राफी करना बहुत आवश्यक है, तो अब वे ऐसा नहीं होगा कि बाद में कुछ प्रश्न उठते रहें, तो हर चीज़ अब बड़ी पारदर्शिता के साथ और साफगोई के साथ होगी, ऐसा नए कानूनों में प्रावधानित किया गया है। सर, बात की जाए अगर धाराओं की, कानून की, तो लोगों के लोग जो है वो कानून के नाम से ही जो धाराएं हैं उनके नाम से ही जानते हैं। जैसे बात की जाए अगर मर्डर की तो 302 से जानते हैं, धोखाधड़ी की बात की जाए तो 420 के नाम से जानते हैं, तो कैसे बदलाव देखते हैं आप इसको? देखिए, अब वास्तव में नए कानूनों में बहुत सारे सेक्शन अब एक साथ कर दिए, जैसे महिला संबंधी अपराध के सेक्शन अब सब एक साथ हो जाएंगे, शरीर संबंधी अपराधों के सेक्शन सब एक साथ हो जाएंगे। तो जैसे हम पहले 302 हत्या के लिए यूज़ करते थे, अब वो 103 हो जाएगा BNS में। तो इसी तरह जो 376 हम बलात्संग अपराध के लिए मानते थे, वो अब 64 BNS में हो जाएगा। तो इस तरह से लगभग चोरी की धारा में 303 BNS हो जाएगी। तो बहुत से ऐसे सेक्शन जो हम रेगुलरली अपनी एक भाषा में प्रयोग करते थे, उनमें अब धीमे धीमे परिवर्तन होगा और शीघ्र ही नए सेक्शन भी हमारे जुबान में वैसे ही आएंगे जैसे कि हम पुराने सेक्शंस के बारे में बात करते थे। आप कैसे देखते हैं अंग्रेज़ों के अधिनियम जो कानून था वो बदल रहा है? वास्तव में मुझे लगता है समय की मांग थी कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए कानून थे उनमें जो भारतीय नई भारतीयता, नए भारतीय परिवेश और इतने वर्षों के जो हमारे अनुभव थे, जो कठिनाइयां हम लोगों ने इस पूरे कानूनों के लागू होने के दौरान देखी हैं, उनको दूर किया जाए, नए कानून बनाए जाएं और एक औपनिवेशिक मानसिकता से हम बाहर आएं, और मुझे लगता है उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने ये कानून पास किए और 1 जुलाई से हम इनका क्रियान्वयन भी देखेंगे। कुछ धाराएं जो है वो पहले के ज़माने से चली आ रही है और उसका कोई ज़रूरत भी नहीं रहती थी, मतलब उपयोग में नहीं आती थी, वो भी बदलाव में आएगी, तो क्या उसके अब उपयोग में आने की संभावनाएं हैं नए कानून को लेकर? जो अभी ऐसा कुछ रहेगा कि जब तक कि यदि घटना कोई पुराने समय में हुई है तो हमें अभी भी वो धाराएँ जो पुराने IPC की थी वही इस्तेमाल करनी होंगी। अर्थात मान लीजिए कि 1 जुलाई को कोई FIR हमारे पास ऐसी आती है जिसकी घटनाक्रम अप्रैल के महीने का था, तो ऐसी में BNS की धारा नहीं लगेगी, ये IPC की धाराओं के तहत ही ये मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि उसकी विवेचना हम लोग BNSS के तहत ही करेंगे। तो अभी पुराना कानून थोड़े दिन तक, जब तक कि पुराने समय की घटित हुई घटनाएँ रहेंगी तो वो रहेंगी और नए कानून की धाराएँ भी हम करेंगे, लेकिन जो नवीन समय में घटित अपराध होंगे उनमें BNS की धाराओं में ही अपराध पंजीबद्ध किए जाएंगे। कानून बदल रहा है, धाराएं बदल रही है, अधिनियम बदल रहे हैं, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हम सभी जो हैं ये एक न्याय प्रक्रिया या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हम भाग हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम सब मिलकर एक पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं, और मुझे लगता है ये तीनों ही कानून भविष्य में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में एक बड़े दूरगामी कदम साबित होंगे। तो ये थे हमारे साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस विशेष कार्यक्रम कानून बदल रहा है में इतना ही। आप देखते रहिए इसी भारत और मुझे रुचिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।